भैया मुझे लिखने नहीं साफ तो मेरे बुलाते हैं, चिल्ला रखा नहीं क्या है आपको? ठीक है ठीक है, आपके क्या क्या है सब एक एक बोल आवाज कौन भी करो ना बात करें आवाज कौन कर रहे हैं ಬಾಳ ಇದಾಗಿದೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಜಲ್ಗಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಗಾಂಜಾ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ, ಗಾಂಜಾ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಬಾಡಿದೆ, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಇದೆ, ಉಜ್ವಲ್ ನಗರ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಬಾರ್ ಕಡೆ ಬಾರ್ ಮಂದಿರ ಅದಾರ ಗಾಂಜಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರವ್ರು. ಇದು ಸರ್ ನಾವು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದ ಘಟನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇರ್ತಾರು ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಾವ್ ಈಗ ಜಮಾತ್ ಅವರು ಒಂದ್ 15 ಜಮಾತ್ ಅವರು ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ. ಸರ್ ನಮಗ್ ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ಗಾಂಜಾ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ವಿದಿನ್ 24 ಅವರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್. ನಾವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇವ್ರು ಟೋಟಲ್ ವೈಪ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಜರ್ಗಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗಿರಿನ್ ದತ್ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಅವ್ರ ಭೀ ಕಂಜರ್ಗಲ್ಲಿ ಮೇ ಕೋತವಾಲ್ ಗಲ್ಲಿ ಬಂಕಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಉಜ್ವಲ್ ನಗರ್ सोसाइटी ऐसा एरिया के अंदर भी बहुत चल रहा है. तो हमारा सबसे रिक्वेस्ट है पूरे जमात उल सर जैसा शाहिद पे बोले उसके बाद जल्द से जल्द एक्शन ले तो बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है कोई बात नहीं, हम ले लेंगे. आप भले भले आपके रिक्वेस्ट में आपके गली के मतलब रिक्वेस्ट में कुछ गलियों के नाम है लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसे एरियाज है वहाँ पे वो चलता है. ठीक है वहाँ पे आप इत्मीनान जाइएगा. हम पुलिस स्टेशन महामंत्री हो या खड़े बाजार हो या मार्केट पुलिस स्टेशन हो, इतने तीनों पुलिस स्टेशन के ज्यूरिस्डिक्शन में कितने भी आते हैं जहाँ पे एक इसका पेडलर का काम या गांजे बिकने का या ज्यादा उसको कंज्यूम करने का जहाँ पे है वहाँ पे हम लीगल एक्शन ले लेंगे. कल जो मार्केट पॉलिटिशन के अंदर हमारे यहाँ के सिटी के या एक्सटेंशन एरिया के नौजवान बच्चे ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि जमातों को साथ में लेके एक गांजा मुहिम के खिलाफ जो गांजे से जो इनलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है कल उन्होंने जमात वालों को लेके बहुत अच्छा कदम उठाया है. हमें भी बुलाए थे और एक काम बहुत अच्छा करे और उसके साथ में पुलिस डिपार्टमेंट में कल जो कंप्लेंट हुआ था आज पुलिस ताबड़ आज मेरे हिसाब से एक 6 से 7 लोगों को अरेस्ट भी किया है. नौ लोगों को अरेस्ट भी किया है. हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि जैसा आज एक्शन लिए वैसा खंजर गली में हमेशा एक्शन हो और एक गांजा मुहिम को जड़ के साथ में ख़त्म करें, चाहे वो खंजर गली हो चाहे आसपास का जितना भी एरिया हो, सिटी हो, वीरभद्र नगर हो, असद खान सोसाइटी हो या आजम नगर, कोई भी एरिया के अंदर जो गांजा एरिया इसके अंदर क्या हो रहा है कि गांजे पहला जो पी रहे हैं जैसा माँ बाप को मालूम पड़ने के बाद में जो पैसा देने के बाद पैसा देना अगर बंद किए तो उसके बाद में चोरी. परसों भी हमने देखे कि खड़े बाजार के अंदर या कोतवाल गली के अंदर बोर्ड के अंदर जो लोग बाहर से आते हैं उनको पकड़ के उनके पास से पैसे काट लेना या चाकू दिखाना ये सब चले से है. तो पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि टोटल जो भी गांजा जो बेच रहा है कहाँ से आ रहा है मेरे हिसाब से आपको पता है उनको पकड़े और यहाँ के जो खंजर गली के भी जो लोग हैं या बेलगाम के जितने भी लोग हैं उनको अमन और शांति से रहने का एक मौका दें. जालगा गली की जमात और हमारी जमात और अतराफ के आजू बाजू की जमात ने हमें पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेंट रखे थे कि हमारे पूरे आजू बाजू की खंजर गली, दरबार गली, कोतवाल गली यहाँ गांजा बहुत चल रहा है और खुलेआम बिक रहा था और बाहर के लोग आके लड़के लोग यहाँ से खरीद रहे थे. कई दिनों के बातचीत करने के बाद में हम कल जो पुलिस को कंप्लेंट दिया आज उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई भी की है और हमारे मोहल्ले के लड़के गांजे वालों को पकड़ के पुलिस के हवाले करे
क्या ये कह रहे हो? नौ लोग पुलिस के मुताबिक नौ लोगों को पकड़े से अभी गांजा, और हम चाहते हैं कि बाकी के भी जितने हैं यहाँ से हमारे गली से गांजे का नामो निशान साफ होना। नवीन सर भी हमारे सर बहुत कुछ किए, ताबड़तोड़ सर्विस ताबड़तोड़ दी। सर बहुत पसंद किया गांजे का काम होता है, गली के लोग नहीं है, एक बच्चा भी यहाँ सही नहीं है, कौन डराते नहीं, अगर डराएंगे तो झगड़े के लिए आते हैं, झगड़ा होता है, सब बच्चे बाद हो गए, अभी ज्यादा चल रहा है, जब तक भी कमाते पूरा मटके और गांजे में डाल रहे बच्चे लोग, माँ बाप घर में भूखे मर रहे, ऐसा काम है इसकी बंदोबस्ती करो, ये काम बंद करने को लगाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बच्चे गांजा की जाए जो है ना, यहाँ बंद करा के छोड़ो, बच्चे लोग को बिगड़ रहे, देखो बच्चे हमारे बोलने का हमारा, छोटे छोटे बच्चे को बेच रहे हैं, उनका पूरा ये करो, महामारी क्या है पहला तगड़े से पकड़ने का काम करने का, देखो क्या दिन है उसके सारा बिगड़ने लगी गली, दुनिया के बोरा आने लगे, सब कुछ दिखाने को लगाने लगा, छोटे छोटे बच्चे लेकर रिक्शे को लेकर सुबह को ले जाते हैं, हमें भी खाते हैं, हमें होता तुम्हें खड़े करने बाद में हमें है खड़ो को लेते हैं, तुम्हें हमारे पीछे रहो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का जो हमारे जवानों की तरफ से जो कदम उठाया गया है, बहुत अच्छा कदम, बहुत प्यारा कदम है, अल्लाह इसको उठाने को कबूल फरमाए। खुसूसन ये हमारे जवान हैं, बड़ी तलबी के साथ, बड़ी फिक्र के साथ ये निकले हुए हैं कि हमारे मोहल्ले से तमाम खुराफात ख़त्म हो। एक स्लोगन लगा रहे हैं कि बंद करो, बंद करो भाई, नशाबाजी बंद करो, सूदखोरी बंद करो, जो आरावारी के जो काम है वो बंद करो। ये अच्छी बात है, ये बड़े बड़े गुनाहों से बचना बचाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। गुनाह आदमी गुनाह कब करता है? जब हमने गुनाहों से उसको नहीं रोका तब उसकी जरूरत बढ़ती है। नशा आदमी कब करता है? जब हमने उसे नशा से नहीं रोके तो उसकी जरूरत उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। इसी बुनियाद पर माशाल्लाह आज़ाद नगर के तमाम जवान माशाल्लाह तकरीबन 100-150 के करीब मस्जिद में जुड़े थे, तो अभी थोड़े बहुत जवान यहाँ पर आए हुए हैं, कल और एक मशवरा है, तो ये रोज़ बरोज़ हमारे यहाँ पर काम होते रहेगा कि हमारे मोहल्ले से तमाम खुराफात, सूदखोरी है, ब्याज बड्डी है, नाच गाना है, इसी तरह जितने खुराफात हैं सारे खुराफात को इंशाल्लाह हम लोग बंद करेंगे और हम खुद दीन पर मुकम्मल दीन पर चलेंगे। उस नीयत से हम लोग इस रास्ते में निकले हैं। अल्लाह हम सब के जमने को, जुड़ने को, अपने मोहल्ले को पाक साफ़ करने को और सारे आलम में दीन का झंडा गाड़ने को अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। खाना बंद करो, खाना बंद करो, नशा
बंद करो, नशाबाजी बंद करो, गांजा पीना बंद करो, गांजा पीना बंद करो, हराम का बंद करो, हराम का बंद करो, जवानी बंद करो, जवानी बंद करो, बंद करो, गांजा पीना बंद करो, बेहयाई बंद करो, बेहयाई बंद करो। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। यहाँ पर उज्जवल नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर कालीवीर साहब भी आए और यहाँ पर एक जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं। किसी तरह बुरे काम यहाँ पर ना हो इसका ख्याल रखते हैं और इसी एक बेदारी यहाँ पर देखने को मिल रही। हमारे सर आप बात करो कि मोहल्ले के अंदर बुराई खत्म होना, इसके लिए जमातों की जानिब से इस तरह से ये जुलूस भी उसी का है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? कई अभी हमें ये उज्जवल नगर बोले का नया डेवलपमेंट सिटी का एक्सटेंशन एरिया है, इधर अच्छे लोग है, इधर हमें हमारे प्रॉब्लम ज्यादा है। क्या प्रॉब्लम बोलते तो इतना बड़ा रोड है, सब जने ऑटो उनके गाड़ी उनके चीज रख ले को वो रोड बहुत छोटा बन गया है। कभी कभी रोड के लिए भी थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है। नेक्स्ट लोका को 112 नंबर के लिए एक अपनी एक अवेयरनेस चाहिए, कौन सा भी एक झगड़ा हो एक कंटे हो आप पुलिस का सर्विस कभी होना भी 112 नंबर को क्या क्रिमिनल एक्टिविटी। हाँ हाँ हर भी रंधे वो क्या ऐसा वाले करेंगे सिंपल। अभी रात को अभी कभी कभी सोए रहते हैं, हमारा डोर के सामने कोई भी बजाय काम होता तो आने का भी जरूरत है। हम पुलिस बोले तो हम पुलिस आप देखते रहते, कभी कभी छोटे मोटे क्या अपने झगड़ा होते रहते, कभी कभी तंटे होते रहते, इश्यूज रहते। जब तुम्हें पुलिस स्टेशन उतना दूर है कैसा जाने का बोलने की आप सोचने का जरूरत नहीं। हमें किसको भी हमारे पास पहचान नहीं है, हमारे पास पुलिस का नंबर नहीं बोले का भी जरूरत नहीं। 112 नंबर को तुम फोन करे तो क्या अपने 5 मिनट में क्या अपने हमारा पुलिस सर्विस आपको मिल जाता। और नेक्स्ट क्या बोले तो हर घर को सीसी कैमरा चाहिए। सीसी कैमरे से क्या बोलते हमारे घर सेफ्टी रखता, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस सेफ्टी रखता। और क्या अपने क्या उधर झगड़ा तंटे हुए भी हमको पुलिस को एक एविडेंस रहता। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ऐसा है बोलते आजकल सब भी डिपेंड रहे हमें मोबाइल के ऊपर सीसी कैमरा के ऊपर है। सीसी कैमरा चाहिए। और क्या अपने हमारा बच्चे को हमारे बच्चे के कल्चर देखना चाहिए देना चाहिए क्या बोलते अच्छा पढ़ाई करने के लिए झगड़ा तंटे जाने नहीं करने के लिए। और आजकल क्या अपने कॉलेज में भी झगड़ा क्या अपने कॉलेज में भी बच्चे झगड़ा बहुत करते हैं। क्या करते हैं वो कुछ भी इश्यू के लिए झगड़ा करते रहते हैं। तो आजकल कैसा होता है बोलते दो बच्चे झगड़ा करे बाद तो दो बच्चे का झगड़ा नहीं हो रहा, उनका गली वाले आज सपोर्ट करते हैं, इनके कौन वाले सपोर्ट करते हैं। तो कभी कभी दो बच्चे का झगड़ा भी वो स्टूडेंट का झगड़ा भी क्या अपनी कभी कभी क्या अपनी सिटी के ऊपर वो एरिया के ऊपर असर पड़ रहा। इसके बारे में हमारे बच्चे समझना कुछ भी रहें दे कुछ भी रहें दे पेरेंट्स बताना उन्होंने जमात को बताना नहीं क्या अपनी हमारे स्टेशन बताना नहीं तो उनके कॉलेज प्रिंसिपल बताना। इसके बारे में बच्चे के बारे में हम क्या अपनी ज्यादा क्या अपनी हमें ये देखना है। सोचे कभी कभी बच्चे भी माइनर बच्चे क्या अपनी गाड़ी चलाते हैं, बड़े जने भी हेलमेट नहीं सो गाड़ी चलाते, नंबर प्लेट नहीं सो गाड़ी चलाते। क्या अपनी हर काम बोले तो खाली क्राइम बोल हमें एक लाइफ का कल्चर। इतना बड़ा रोड है वाल भी क्या अपनी 10 फीट में क्या अपनी ट्रैफिक होते रहता, ये सब भी रैंक पार्किंग बहुत रहते। इसके लिए क्या अपनी आज हमें जमात का साथ दे रहे, जमात का जवाबदारी क्या बोले तो जवाब दो उनको बच्चे को पहले सीधा रखने का। नेक्स्ट क्या अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचने का, पुलिस को साथ देने का, पुलिस को साथ देने का। हाँ क्या भी रहते एक पुलिस को क्या अपनी सपोर्ट लेने का, पुलिस का सेवा लेने का। उसके बारे में आज आप मीटिंग करे से आज क्या अपनी बहुत सक्सेसफुल मीटिंग हुई। हर
Thank you.